हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम ऑफिस प्रोडक्टिविटी क्लासेस के अंदर देखने जा रहे हैं कि एक कैश मेमो एमएस वर्ड में किस तरीके से बनाया जाता है। कैश मेमो, जिसे आप इनवॉइस या बिल भी कह सकते हैं, या कोई रिसीप्ट, आप कैसे बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, और ये आपके बहुत काम आने वाली है। वाउचर क्लास के बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा कैश मेमो क्रिएट करना। तो कैश मेमो एक तरीके का बिल होता है, और वो बिल हम बनाने जा रहे हैं हमारे एमएस वर्ड के इंसर्ट के अंदर टेबल ऑप्शन के जरिए। तो टेबल के जरिए हम सबसे पहले बिल में होता क्या है, सबसे पहले कैश मेमो के अंदर टाइटल होता है, उसके बाद एड्रेस, बिलर्स का नेम, सेलर का नेम, और उसके बाद नीचे एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है जो आपको बताता है कि आपको कितने आइटम्स खरीदे, बेचे, टोटल होता है उसका, और सबसे नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चार सेल ले लेते हैं, फाइव ले लेते हैं। फाइव सेल लेने के बाद हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से एनलार्ज कर लेते हैं और क्लिक किया। चलिए सबसे पहले यहां पर हम देना चाहते हैं कि ये कैश मेमो है, और कैश मेमो में हम कंपनी का नाम दे देते हैं। तो चलिए कंपनी का नाम देने के लिए सबसे पहले आप सबसे टॉप रो को सिलेक्ट कीजिए और इसको राइट क्लिक कीजिए, मर्ज कर लीजिए इसे, मर्ज सेल। और यहां पर अब आप नाम दे सकते हैं कंपनी का, तो मैं नाम दे देता हूं सानवी टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं आप कैश मेमो। चलिए ये आपका बनके हुआ तैयार। उसके बाद जो नीचे वाला सेल है इसे भी आप करेंगे मर्ज, और ये लीजिए हमने इसे किया मर्ज। और यहां पर हम देंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद आपको यहां पर देना होगा एंटर मारिए एड्रेस ऑफ द सेलर। तो यहां पर हम अपना एड्रेस डालेंगे, तो हम डालते हैं प्लॉट 278 ब्लॉक 7, एंटर, ईस्ट दिल्ली, इंडिया। चलिए हमने यहां पर एड्रेस दे दिया है, और यहां पर इस कॉलम के अंदर हम डालते हैं डेट, जो भी आप जिस डेट का आप बिल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां पर इनवॉइस नंबर को खाली छोड़ दिया, आप डेट को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब यहां पर नेक्स्ट सेल के अंदर में हम करने वाले हैं बायर्स नेम, सेलर्स नेम, ये सब। बायर्स की तो देखिए जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप बिल किसके नाम पे काट रहे हैं। सो इसके लिए हम इसको यहां पर एंटर मारते हैं, और हम यहां लिखते हैं बायर्स नेम, देन बायर्स एड्रेस। और यहां पर आप चलिए पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद नीचे टेबल के अंदर में हम करते हैं सीरियल नंबर, यानी जो भी आइटम का सीरियल नंबर होगा, यहां पर हम लिखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन, इसके आगे हम लिखेंगे क्वांटिटी, उसके बाद हम इसका रेट लिखेंगे, यानी एक प्राइस, एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, और यहां पर हम उसका अमाउंट लिखेंगे। चलिए अब हम इसके बाद टैब दबा के अगली लाइन में आते हैं, और यहां पर अब आप एंटर मारकर स्पेस को बड़ा कर सकते हैं। टैब दबा के आप एक और लाइन यहां पर क्रिएट कीजिए, और यहां पर आप इसे मर्ज कर दीजिए, मर्ज सेल्स। और इस मर्ज सेल के अंदर आप लिखिए टोटल, और यहां पर आप टोटल, यहां जो भी अमाउंट होगी आप उसका टोटल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेल इनवॉइस या कैश मेमो आप तैयार कर सकते हैं। अभी इसके बाद आप टैब दबाइए और यहां पर लिखिए टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशन। और यहां पर जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है आप लिख सकते हैं, इफ एनी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए चेक योर आइटम्स बिफोर लीविंग द काउंटर, और काउंट द कैश बिफोर लीविंग द काउंटर, ये सब चीजें आप यहां डाल सकते हैं। चलिए हमने एक कैश मेमो बना के तैयार किया, और अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, क्योंकि एक कैश मेमो इस तरीके से नहीं दिखता है। चलिए सबसे पहले हम कैश इनवॉइस के टाइटल को तैयार करते हैं, और इसे होम पर जाते हैं, सेंटर करते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं इसका, इसे बोल्ड करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अभी ठीक है, तो यहां पर आप इसको अब टाइटल थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, और यहां पर आप फिल में जाकर आप इसे फिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली पूरा सेल को फिल करने वाले हैं, कंट्रोल जेड।
कुछ इस तरीके से हम इसे अंडरलाइन भी कर देते हैं। चलिए, कैश मेमो आपका बना हुआ है, इनवॉइस और ये सब चीजों को आप थोड़ा सा साइज बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, और इसे भी आप इन सारे लिखे हुए आइटम्स को सबको आप थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा साइज एनलार्ज कर लीजिए। चलिए, अब ये वाले सेगमेंट को भी आइए नीचे, इसे भी थोड़ा सा बोल्ड और सेंटर अलाइनमेंट और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसका। यहाँ पर सीरियल नंबर बॉक्स की मुझे जरूरत थोड़ी छोटी की है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेल में यहाँ पर आप बहुत छोटे सा रो का हाइट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, लेआउट में जाइए और यहाँ पर इसका सेल थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर इसका लाइन सेंटर कर लीजिए। बेस्ट रहेगा आप रो को एक साथ कर अगर ये काम करेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा। होम में जाकर फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्वांटिटी को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, और सीरियल नंबर को भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, यहां पर आपका ये बनके तैयार हो गया है। और डेट वाले सेगमेंट में अब आपको डेट डालनी है, तो आप यहाँ अगर आपका इनवॉइस कंप्यूटर पर ही है तो आप यहाँ पर टाइप करके डेट डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है, आप खाली प्रिंटिंग के लिए देना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट दबा के अंडरस्कोर दबा के स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इनवॉइस का भी नंबर शिफ्ट दबा के आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका इनवॉइस नंबर बनके होता है तैयार। अब यहाँ पर प्लॉट को आप नीचे ले जाइए और बायर्स नेम को भी आप नीचे ले जाइए और यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कीजिए, लेआउट में आइए, सेंटर में कीजिए। ये तो पूरा सेंटर में चला गया, कंट्रोल जेड आप केवल इसे, आप इसे होम पर जाइए और यहां से आप इसे सेंटर कर दीजिए, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कीजिए, बोल्ड तो हो ही रखा है ये। तो ये आपका एड्रेस है, जो आप जिस शॉप पे आप काम करते हैं ये वहां का एड्रेस है, और यहां पर आप बायर्स नेम में आप शिफ्ट स्पेस देके शिफ्ट दबा के इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी आपका लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए इसे, और सेम आप एड्रेस के लिए भी आप ऐसे लाइन दे सकते हैं। आपको ऑल लाइन चाहिए तो आप एंटर मार के एंटर मार के आपने नीचे स्पेस क्रिएट किया और स्पेस 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 क्रिएट करके आप यहां से इसका शिफ्ट दबा के अगली लाइन एड्रेस लाइन दे सकते हैं और एंटर मार के आप इसे थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं करना है, मैं इसे इतना ही रहने देना चाहता हूं। हाँ, यहां पर गैप देना चाहता हूं, यहां मैं दे सकता हूं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना अच्छा आपका इनवॉइस दिख रहा है। अभी यही चीजें आपको अप्लाई करनी है अपने नीचे वाले बॉक्स में। यहां पर आप लेआउट में जाइए, लेआउट में जाकर इसकी हाइट तो थोड़ा सा बढ़ाइए, अलाइन सेंटर कीजिए और बोल्ड कर लीजिए। होम में जाकर इसे बोल्ड कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, आपके लेफ्ट साइड में ही ठीक लग रहा है तो आप इसे यही रहने दीजिए और थोड़ा सा इसे बड़ा और कर लीजिए। ये देखिए, आपका इनवॉइस बनके तैयार हो गया। अगर आप कलरिंग ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है कि टेबल के डिजाइन में आकर आप अपनी टेबल का स्ट्रक्चर भी अलग तरीके से दे सकते हैं। ये देखिए, आपकी कितनी अच्छी तरीके से इनवॉइस बनके तैयार हो गई है। अंडू करते हैं। अब जब आप बिल बनाते हैं तो केवल आप एक बिल नहीं बनाते हैं, आप उसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से आप टेबल को कंट्रोल सी से दबाइए और कंट्रोल एन देकर न्यू शीट पे आइए और यहां पेस्ट कर दीजिए। यहां पर आपकी इनवॉइस दूसरे पेज पर बनके तैयार हो गई है। देखिए, इसके आप रेडीमेड टैंपलेट्स बना के रख सकते हैं। जब आपकी बिलिंग करनी हो तो आप इस टैंपलेट में से कोई एक टैंपलेट उठाइए और आप उसको अमाउंट क्वांटिटी वगैरह डाल के एंटर कीजिए और यहां से आप कंट्रोल पी दबाकर आप उसकी बिलिंग कर सकते हैं। कंट्रोल पी दबा के आपको प्रीव्यू दिखाना चाहूंगा मैं। कंट्रोल पी दबा के जब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो हमारी इनवॉइस कुछ इस तरीके से बनती है। आप अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर बहुत सारी डीलिंग होती है, बहुत सारे आइटम होते हैं, तो यहां पर इस बीच वाले सेल में आके आप एंटर मारकर अपने सेल्स की हाइट बढ़ा भी सकते हैं। जैसा आपका पेज वैसा आपकी इनवॉइस बन सकती है। कंट्रोल पी में जाके हम इसकी इनवॉइस का सीक्वेंस देखते हैं। देखिए, यहां पर अभी थोड़ा सा ये सेगमेंट ठीक करना है हमें। ये अलाइन मार्जिन जो है यहां से कम है और यहां से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बाय मिस्टिकन ये। अब यहां से आपको अपने टेबल को सिलेक्ट करना है और अलाइन सेंटर कर देना है, तो आपकी टेबल सेंटर अलाइन हो जाएगी और आपके दोनों तरफ से मार्जिन बिल्कुल इक्वल दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये इनवॉइस बनाने का पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा और
किसी और तरीके के फॉर्मेट पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई और चीज आप सीखना चाहते हैं जो एमएस वर्ड से रिलेटेड है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैंने आपको कैश मेमो बताया, मैंने आपको वाउचर लेटर बताया, मैंने ऑफिशियल लेटर बताया। तो ये जो ऑफिशियल प्रोडक्टिविटी क्लासेस थी, ये केवल इसीलिए क्रिएट की गई थी ताकि आप अपना कंप्यूटर बेसिक में एमएस वर्ड को कंप्लीट करने के बाद ऑफिस में एमएस वर्ड से आप क्या क्या टास्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि हमारी इनवॉइस को आप किस तरीके से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे सपोज इस डेट वाले सेल के अंदर हम यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ पर कुछ लोगो या आइकन लगाना चाहते हैं तो हम वो भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेट वाला एरिया खाली है तो इसको फिल करते हैं, तो इंसर्ट पे जाइए, आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, लेकिन वो तो मेरे पास पिक्चर है तो हम लगा के देखते हैं। इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर पे जाइए, और वो पिक्चर्स मैंने कुछ सेव की हुई हैं मेरे ई ड्राइव में, रिकॉर्ड रॉ के अंदर, फ्रेम्स के अंदर। ये लोगो है, सपोज मैं ये लगाना चाहता हूं, तो मैंने इंसर्ट किया। अब आपकी टेबल बड़ी मतलब एक डिसऑर्डर हो जाती है, तो इसको ऑर्डर करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने लोगो का साइज आप छोटा कर देंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। और इमेज पर आपको क्लिक करके देखना है कि यहां पर आपको ये लाइंस दिखनी चाहिए, डॉट्स जो दिख रहे हैं ये दिखने चाहिए। किसी भी कॉर्नर वाले डॉट को पकड़ना है, किसी भी सेंटर वाले डॉट को नहीं पकड़ना है, आपको कॉर्नर वाले डॉट को पकड़ना है और उसे अंदर की तरफ लाना है, और आपको उतना छोटा करना है जितने पर आपका लोगो अच्छा दिखे। ये देखिए आपका लोगो भी यहां पर अप्लाई हो चुका है। पोजीशन में आप अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, ये देखिए, और आपका लोगो भी अप्लाई हो चुका है आपके इनवॉइस पे। अब कंट्रोल पी करके देखते हैं इसे, यहां पर देखिए कितनी अच्छी इनवॉइस आपकी बनके हो गई है तैयार। तो आई होप कि मेरी ये क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर आप कुछ और डाउट या कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं जल्दी उस चीज को आपके सामने लेकर आऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।